भारत की राजनीति का एक सूरज आज अस्त हो गया अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में। पूरा देश शोकमग्न है। हमारे साथ निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल हैं। सबसे पहले अटल जी के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। आप राजनीति में लंबे समय तक काम कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को आपने शुरुआत में देखा होगा, आज उनका निधन हो गया, क्या मानते हैं आप? राजनीतिक मन मुटाव मतभेद अलग बात है, मतभेद अलग बात है, लेकिन एक ऐसा नेता चले जाना राजनीति में कितना बड़ा नुकसान मानते हैं आप? मैं दो बार व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिला था, जब वो पीएम एक बार थे, एक बार नहीं थे, दोनों बार। और उनके लिए तो देखो, विपक्ष के जो लोग थे, कांग्रेस के लोग भी उनकी तारीफ करते थे, उनकी बात को हमेशा हर जगह तवज्जो दिया जाता था। वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सब लोगों की भावनाओं की कदर भी करते थे। अच्छे कवि के रूप में भी उनकी कविताएँ, वो हर बात को हंस के टाल जाते थे। और पोखरण परमाणु जो विस्फोट किया था, उसे भारत को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभारने का भी उन्होंने प्रयास किया। और अटल जी के निधन से पूरे देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और उनको सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी, जब जिन उद्देश्यों को लेकर वो आगे बढ़े थे। आज भी बॉर्डर पे शहादत बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक लोगों को ये लगा था कि पाकिस्तान का कुछ इलाज होगा, चाइना ठीक होगा, लेकिन आज भी शहीद ज़्यादा होने लगे। आज हम देखते हैं, पहले तो शहीद कभी कभार होते थे, तो रोज की बात हो गई। तो कश्मीर में पहले गोलियों से मारते थे, अब तो पत्थरों से मारने लगे। तो जहाँ समाधान की बात थी, वो समाधान कहाँ हुआ? जिस बात को लेकर नरेंद्र मोदी सत्ता के अंदर आए, ठीक है कांग्रेस कमजोर है, ये पक्ष बीजेपी का मजबूत हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने भी 5 साल के अंदर कुछ नहीं किया देश के लिए। न तो नौजवानों को रोजगार दिया, न कोई कानून का राज यहाँ स्थापित हुआ, कोई बहुत बड़ा चेंज कुछ भी नहीं हुआ। बातें मीडिया के माध्यम से, विदेश यात्राएं नरेंद्र मोदी ने जरूर किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस सपने को सोचा था और जैसा भारत वो चाहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस लीक से भी हट गए।